मथुरा के थाना बलदेव इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब मथुरा के रहने वाले रजत पांडे मथुरा से बलदेव में अपनी दुकान पर थे। तभी उन्हें बलदेव इलाके में 3 लोगों ने हमला करते हुए गोली मार दी और फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी रजत ने अपने परिजनों के साथ साथ थाना पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वहीं रजत के भाई राहुल पांडे की तहरीर पर बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी ने बताया कि राहुल पांडे की तहरीर पर एक मुकदमा बलदेव में दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने लव मैरिज की है, जिससे उसके ससुराली जन रंजिश मानते हैं। थाना बलदेव के अंदर एक सूचना फायरिंग की प्राप्त हुई है। इसके अंदर राहुल पांडे ने मुकदमा लिखाया है और इनका ये कहना है कि इनका प्रेम विवाह जो हुआ था और जिसको लेकर कि जो इनका ससुराल पक्ष है वो जो है इससे प्रसन्न नहीं था, कुछ चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था और पूर्व में भी इनका कहना है कि कई बार इसी कारण से दुश्मनी मानते थे और कई बार इनके ऊपर पहले भी अटेम्प्ट किया है और कई ये भी बताया अपनी तहरीर में कि फर्जी मुकदमे भी लिखवाए हैं। आज इनके द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनके द्वारा ही षड्यंत्र करके 3 लोगों को यहाँ पर भेजा गया और उनके द्वारा फायरिंग की गई है। मजरूफ की स्थिति एकदम यानी इंजर्ड की स्थिति एकदम ठीक है और उनका मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है और इनके द्वारा जिन लोगों के लिए बताया गया है उनके ऊपर शीघ्र जो है कार्रवाई की जाएगी, गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा।